दुनिया का 8वां अजूबा बना कंबोडिया स्थित अंकोरवाट मंदिर 12वीं सदी में मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने शुरू की पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की लेजर स्कैनिंग, ASI मंदिर प्रशासन को सौंपेगी जांच की रिपोर्ट। लखनऊ के अलीगंज स्थित हनुमान मंदिर को बनाया जा रहा पर्यटन स्थल, श्रद्धालुओं के साथ ही पर्यटकों की बढ़ेगी तादाद। रामलला को अर्पित की जाएगी पाकिस्तान के सिंध से आई पोशाक, 2 दिसंबर को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को अर्पित की जाएगी पोशाक। कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर इटली के पोम्पेई को पछाड़कर दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है। 800 वर्ष पुराने इस मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। अंकोरवाट मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित था, जिसकी दीवारों पर हिंदू ग्रंथों में उल्लेखित विभिन्न प्रसंगों पर आधारित चित्रण किया गया है, लेकिन बाद में इसे एक बौद्ध मंदिर बना दिया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, जो कि करीब 500 एकड़ के इलाके में फैला हुआ है। अंकोरवाट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल है। ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ओडिशा के जगन्नाथपुरी मंदिर के रत्न भंडार की लेजर स्कैनिंग कर रहा है। ASI की टीम जांच की रिपोर्ट श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन को सौंपेगी। पूरी मंदिर के खजाने की संरचना के बारे में पता लगाने के लिए ASI ये स्कैनिंग कर रही है। रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के कीमती आभूषण और बर्तन रखे हुए हैं, जो उस दौर के राजाओं और भक्तों ने मंदिर में चढ़ाए थे। 12वीं सदी के बने इस मंदिर में तब से ये सारी चीजें रखी हुई हैं। लखनऊ में अलीगंज के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। मंदिर ट्रस्ट ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि मंदिर के कायाकल्प की योजना पर प्रदेश सरकार की मुहर लग चुकी है। मंदिर के भव्य मुख्य गेट का निर्माण शुरू होने जा रहा है, जिसका शिलान्यास प्रदेश के उप मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। इस मंदिर में हनुमान जी के साथ अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी हैं। मान्यता है कि मंदिर में घंटी बांधने से लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। अयोध्या के अस्थाई राम मंदिर में विराजमान रामलला को पाकिस्तान के सिंध से आई एक विशेष पोशाक, अजरक यानी सिंध की गर्म पोशाक अर्पित की जाएगी। शिव शांति आश्रम के संत साई ने ये पोशाक शिवालय मंदिर परिवार के महंत को सौंप दी है, जो 2 दिसंबर को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भेंट की जाएगी। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन समारोह होगा। भारत की सनातन संस्कृति के धरोहर संतों को समाज के प्रति सेवा धर्म को देखते हुए अमेरिका ने किया सम्मान। पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज और सनातन धर्म भूषण श्री राज राजेश्वर गुरु जी को अमेरिका के व्हाइट हाउस के धर्माचार्य श्री जॉन अंगर और चर्च ऑफ अमेरिका की मार्टिना अंगर ने मेडल कॉइन से सम्मानित किया है। लंदन के इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर के संस्थापक स्वामी राज राजेश्वर गुरु जी और पुरुषार्थ आश्रम के अध्यक्ष महामनीषी निरंजन स्वामी जी ने कनखल के हरिहर आश्रम में जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज से भेंट की। इस दौरान धर्म और संस्कृति से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। इस मौके पर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी ने राज राजेश्वर गुरु जी को रुद्राक्ष की माला और पुस्तक भेंट कर आशीर्वाद दिया।